दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित आया नगर में पानी की भारी किल्लत को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष के निशाने में है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्षद वेदपाल लोहिया के नेतृत्व में शिवहंसा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्थानीय विधायक करतार सिंह तंवर का पुतला दहन किया व महिलाओं ने मटके फोड़कर आक्रोश जाहिर किया और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। पार्षद वेदपाल लोहिया ने कहा, आया नगर में पानी की भारी किल्लत से जनता पिछले 2 सालों से जूझ रही है। वहीं करतार सिंह तंवर झूठे वादे कर दूसरी बार विधायक तो बन गए, लेकिन वह जनता के बीच से नदारद हैं। उनका समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय लोग कई किलोमीटर चल के उनके निवास पर जाते तो हैं, लेकिन केवल झूठे दिलासे लेकर वापस आ जाते हैं। लोहिया का कहना है कि आज प्रदर्शन इसलिए किया गया ताकि विधायक समस्याओं की ओर ध्यान दे, ताकि जनता को हो रही परेशानी से उन्हें निजात मिले। केजरीवाल पानी दो, केजरीवाल पानी दो, एमएलए पानी दो, एमएलए पानी दो। आया नगर के अंदर कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं जिसमें पानी की समस्या ना हो। इन्होंने 7 साल से पानी के ऊपर कोई काम नहीं किया। सोनिया विहार की पाइपलाइन 7 साल पहले आया नगर में आ गई 2012-13 में, लेकिन क्षेत्र के एमएलए ने किसी ब्लॉक के अंदर पानी पहुंचाने का कोई काम नहीं किया। यहाँ पर 2 साल से काफ़ी सारे ट्यूबवेल पास है, कोई भी ट्यूबवेल लगाने का काम नहीं किया। 2 साल से इनके चक्कर लगा रहे हैं। एमएलए साहब 1.5 साल से यहाँ से गायब हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। आज हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ पर उनका पुतला फूका है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था तुमको करनी पड़ेगी। इन्होंने वादा किया था कि हम लोग फ्री पानी देंगे, फ्री पानी छोड़िए, लोग पानी पैसे से लेने के लिए भी तरस रहे हैं। जो यहाँ पर जो बहुत सारे ट्यूबवेल हैं जिनके अंदर पानी की अंदर गंदे पानी की मिलावट है, कोई साफ पानी नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर टैंकर हैं, टैंकर जो सरकारी दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हैं, वो वहाँ पर कहीं पर नहीं पहुँचाया जा रहा, पैसे लिए जा रहे हैं। उनके जो लोग हैं यहाँ पे वसूली कर रहे हैं, टैंकर भेजे जाते हैं। यहाँ पर पूरी आयनगर के अंदर, पूरी ब्लॉक के अंदर परेशानी है। जौनापुर के अंदर 20 पॉइंट प्रोग्राम के प्लॉट हैं, वहाँ पर पानी नहीं है। घटोरनी के अंदर पानी नहीं है, और खास तौर से पूरे आयनगर आप देखेंगे इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ जाए हैं कि आज पानी तरस रहे हैं, मजबूरी है। और एमएलए साहब, सबसे प्राइमरी ड्यूटी होती है सरकार की कि केजरीवाल साहब, आपने वादा किया था पानी का, कहाँ है तुम्हारा वादा? क्यों झूठे वादे आप लोगों ने किए? और 1.5 साल से गायब रहते हुए एमएलए यहाँ पर कोई काम हमारे यहाँ पर नहीं किया। हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़े पैमाने में आवाज उठाएंगे। यहाँ पर आज इतने सारे लोग खड़े हुए, अगर यहाँ के एमएलए और केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर बोरवेल नहीं किए, सोनिया विहार के ऊपर पाइपलाइन पे कोई काम नहीं किया, यहाँ पर गली गली में अगर लाइन पहुंचाने के लिए अनाउंसमेंट्स नहीं की, तो हम लोग यहाँ पर बड़ा आंदोलन करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आया नगर में पानी की है। बीमारी तो बाद में है, जब इंसान पानी के बगैर जिएगा नहीं तो बीमारी कहाँ से आएगी? पीने का पानी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत औरतों को पड़ती है, जिसमें उन्हें खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, घर के काम करने हैं। जेंट्स तो बाहर चले जाते हैं, औरतें मटका लेके, बाल्टी लेके लाइन लगाती हैं, पानी भरती हैं, लेकिन सरकार को कोई सुनवाई नहीं है कि आया नगर की इतने सालों से ये समस्या को दूर करी जाए। कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। शिकायत एक नहीं, हजारों बार की जा चुकी है, और धरना भी दिया जा चुका है उनके आगे जाके, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है।